जिसने भी बचपन से मधुर कहते हैं, अपने वो बच्चा पहले पैदा होते ही उसे क्या करते हैं, हम उसको मधु चढ़ाते हैं, मधु को चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं इस संसार की यह मधु है, तू संसार में आया है तो पहले बच्चा पैदा होते ही मधु देते हैं, मालूम हो ना हो लेकिन हमारे पास ये क्रिया है। इस मधु क्रिया की ज्ञाता को देखकर उसके कहते हैं कि तू इस मधु से आगे बढ़, और जिसको मधु चटा दिया गया उसकी जीर्ण शक्ति बढ़ गई, जिसकी जीर्ण शक्ति बढ़ गई वो उसको इस संसार के रुचि का ज्ञान होता है अपनी जीव के कारण, और वो आगे आगे चलने की क्रिया करता है। तो इस प्रक्रिया में जिसने मधु को ग्रहण किया या फूल पत्तों को जानने की क्रिया की, इसमें कितना मधु है, इसमें किस तरह ग्रहण करना चाहिए, हम देखते हैं कि हर ऋषि जंगल में रहा करते थे, वो कहते हैं कि आज आपको बोलेंगे गेहूँ का घास खाना बहुत अच्छा है शरीर के लिए, आजकल कहते हैं लोग, तो हम पहले घास खाने को घोड़ा खाता था बोलते, लेकिन घोड़ा बहुत बलवान, हाथी केवल वेजिटेरियन खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो तो ईख यानी शुगर केन खाता है, लेकिन वो कितना सुदृढ़ है और वो किस तरह है, आप किसी भी हमारे पास के देवताओं को देखो, गुड़ का नहीं चलता है, हम अय्यप्पा स्वामी को हो, गणेश जी को हो, मोदक गुड़ का देते हैं, गुड़ का पानी देते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, इस मधु विद्या के पीछे रहस्य क्या है, इस मधु विद्या में आजकल आपने के लिए शक्कर जरूर आपको शुगर व्याधि बढ़ाती है लेकिन गुड़ नहीं बनाता, गुड़ को गुड़ की बीमारी नहीं कहते, शक्कर की बीमारी कहते हैं, और गुड़ में और शक्कर में क्या है, मिलावट आने से कहते हैं जिसे मधुमेह कहा गया है, कोई कहा है कि तुम्हारे को गुड़ की बीमारी, ऐसा नहीं कहता, शक्कर की बीमारी कहते हैं, इस शक्कर की बीमारी में क्या है कि शक्कर में ऐसी मिलावट आई है जो शक्कर की बीमारी, लेकिन मधु को सेवन करने वाले गुड़ को सेवन करने वाले चाहे भैरव हो चाहे और भी देवता हो, इस इसको करने वाले ये मधु या ये विचार जो पेड़ से यानी हम गन्ने से गन्ने के रस को या पुष्प रेणुओं से जिस मधुओं को जाकर ये जो जितने भी भंवरे हैं या उसके हैं उन्हें जाकर जमा करते हैं और उस मधु का सेवन हम करते हैं, एक मधु का सेवन हमारे करने में हमारा श्रेष्ठता कहा गया है। अब हमारे पास ब्राह्मण बैठे हैं, बहुत जानकार लोग हैं, हम पंचामृत में क्या करते हैं, पहले दूध, बाद में दही, बाद में घी, ये किससे आया हुआ, उस मधु से आया हुआ, मधु तत्व देवताओं को क्यों डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, उनकी शरीर की पुष्टि के लिए, उनके शरीर के तेज के लिए मधु डाला जाता है, उसमें बात शहद डालते हैं, पहले गुड़ का पानी ही डालते थे, आजकल ये शक्कर डाल रहे हैं क्योंकि भगवान को भी शक्कर की बीमारी आ रही है और इनको भी आ रहा है, पहले शक्कर कहाँ थी, शक्कर फैक्ट्री आने के बाद हुई, उससे पहले शक्कर कहाँ थी, गुड़ ही था, लेकिन ये लोग जानते हैं जो बीमारी हमारे को तुम्हारी होती है, भगवान और ये दोनों भी शक्कर की बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसा ना होते हुए उस मधु विद्या को जो जानने की क्रिया करता है, मधु विद्या को जानता है, हम इस मधु विद्या को जानने वाले हमारे शरीर को इतना सुदृढ़ बना सकते हैं कि भगवत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो याज्ञवल्क को जब माता मैत्रेयी ने ये पूछा कि मुझे मधु विद्या दो, तो इंद्र आकर खड़े हुए और कहा कि हे याज्ञवल्क, आप मैत्रेयी को मधु विद्या मत दो, मधु विद्या अगर उसे देते हैं तो वो श्रेष्ठता के साथ अपनी जीवन, और ये विद्या जिसके मालूम हो गई मुझे उसके सामने झुकना पड़ता है, यही बात भी गौतम महर्षि ने अहिल्या को ये विद्या नहीं सिखाई इसलिए वो पत्थर बन गई, लेकिन यही विद्या अरुंधति हो, किसी ऋषि कोई राक्षस अरुंधति के सामने आकर खड़े नहीं हो सकता, यही बात भी राम और सीता के इस सीता के काल में सीता जी को यह विद्या नहीं सिखाई गई और सीता को रावण के साथ जाना पड़ा, लेकिन सीता अग्नि परीक्षा में वो भी तो आगे जी हुई। इसी प्रकार अगर आप द्रौपदी को छोड़कर कृष्ण के अष्टभार्यों को बोलो या किसी को, तो ये कृष्ण ने उनको मधु विद्या सिखाई थी, इसलिए उनकी गोपिकाएं हो या उनके साथ रहने वाले भार्याएं, तो उसको छेड़ने की प्रक्रिया किसी ने नहीं की। हम इस विद्या को अब ये लोग रोज मंत्र पढ़ते हैं, मधु को मधु को डालते समय या पंचामृत को मधु देवदस्तना पिता, इसका अर्थ क्या है, देवदस्तना क्या है, उजाला देने वाला पिता जो सूर्य है वो मधु को प्रदान करता है, उस मधु को तुम स्वीकार करो, इस मधु को स्वीकार करने के लिए तुम सूर्य के सामने खड़ा होगा, माध्यम न औषधि, ये मधु औषधि के समान है, उसे स्वीकार करो, इसे इस प्रकार से मधु किससे उत्पन्न हुआ है, मधु सिंधु से उत्पन्न हुआ है, तो इन्होंने इस मंत्र को तो पढ़ने हैं, लेकिन इस सिंधु से मधु को किस प्रकार लिया जाए, सूर्य से मधु को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, या
हम इस देवदूत ने पिता इस यौ यानी उजाला देने वाला, चाहे वो सूर्य हो सकता है चाहे वो चंद्र, चंद्र भी हम उससे सुधा का रस आता है, उसे चंद्र को भी कहा गया कि वो सुधा रस को प्रदान करने वाला है और सूर्य भी मधु को प्रदान करने वाला है। इन रसों को स्त्री किस प्रकार स्वीकार करती थी, इसलिए स्त्री को पुरुष को वीर्यवान बनाने के लिए जो क्रिया किया जाती थी, स्त्री को खाने का ज्ञान था, किस प्रकार खाना पकाकर मेरे पति को सुदृढ़ बनाना चाहिए और मेरे को आनंद प्रदान करने वाला तैयार करना चाहिए, ये स्त्री को जानती थी। यही बात एक बार महर्षि अगस्त्य और लोपामुद्रा ने, लोपामुद्रा स्त्री चक्र की अधिष्ठात्री, स्त्री चक्र की जानने वाली, स्त्री चक्र की विद्या को जानने वाली कहलाई जाती है। तो महर्षि अगस्त्य भी बूढ़े हो चले थे और लोपामुद्रा भी बहुत बूढ़ी हो चली थी, तो उसने जाकर कहा अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ और अपने को आज तक संतान नहीं हुई, और संतान नहीं हुई तो संतान तो होने से हमारे में श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्रिया होती है, तो हे प्रभु ये बताओ कि क्या हम जीवन ऐसे ही समाप्त कर देंगे या इसके लिए कोई ढूंढेंगे। तब जो महर्षि अगस्त्य ने जिस विद्या को लोपामुद्रा माता को कहा, कहते हैं कि उनके वय उनके आयु के 70वें वर्ष में उनको बच्चा हुआ था, इसे उर्ध्व बाहु या दत्व बाहु कहा गया था, उनका पुत्र था और बहुत जानने वाला श्रेष्ठ कहलाया जाता था। उस पुत्र के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है, जिसको उन्होंने कहा कि वीर्य का मंथन मधु के साथ किस तरह किया जाता है, ये एक विद्या है और इस विद्या को जो जानने वाली स्त्री है वो ऐसा पकवान बनाती है कि अपने पति को सुदृढ़ बना के बूढ़ा होने नहीं देती, या अपने को भी इस मधु विद्या को जानने के लिए कौन सा पत्ता किस तरह खाने से ये विद्या प्राप्त होती है ये बताया जाता है। इसको जानने के लिए ऋषि तत्व को या ऋषि के स्थिति को जानना चाहिए, क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, हम ब्रह्मचारी नहीं है, हम कर्मचारी बन गए के कारण क्या हुआ, हम जितना पैसा आता है उसमें ही खरीद लेकर आते हैं और उसमें खाकर अपना जीवन गुजारते हैं, लेकिन पहले विषयों में नहीं कि वो ब्रह्मचारी का अर्थ होता था ब्रह्म को जानकर हर एक पत्ता कौन सा पत्ता खाने से हमारे शरीर में एक प्रकार की तेज या ओजस्विता या फिर इस संसार में सुदृढ़ता एक सामर्थ्यता हमारे पैदा होती है वो जानते हैं। हम आज तुलसी की पूजा करते हैं, आम वृक्ष के पंच फलों का हवन करते हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य था, जो दूध वाले वृक्ष हैं उसी को हवन करते हैं, उसको किस तरह रहना चाहिए एक ज्ञान था, इसे मधु विद्या कहा गया। एक मधु विद्या का बहुत बड़ा श्लोक है, कभी अगर आए तो इस मधु विद्या के बारे में मधु विद्या के श्लोक से भी मैं आपको हवन करवाऊंगा और उससे जो वस्तु निकलता है आप उसको कितना भी करो कितना भी उसमें पानी में डालो तो उसके उस मधु विद्या से उसमें एक मधु निकलेगा, एक प्रकार का रस निकलेगा निकलेगा और बस रस तुम्हें पुष्टिदायक या तुम्हें सुष्टिदायक पहला गया है उसे लेने की क्रिया को कहा गया है। और उसको किस तरह लेना चाहिए यह भी क्रिया मैं आज इस बात को आपको क्यों समझा रहा था, इसलिए कि आज प्रभु सद्गुरुदेव जी ने जो आपको शुभ मंत्र मैंने आपको देकर जिस मंत्र की माला करने के लिए और पाप के नाश के लिए भैरव को भूलता नहीं थी, क्योंकि हम तो मधु विद्या करने के लायक रहे ही नहीं, हमारे को देखते देखते 20-25 साल को पढ़ाई में चले गए, 25 साल के बाद शादी को देखने में चले गए, 50 साल तो बच्चे पैदा करने में, 50 साल के बाद बूढ़े हो गए या तो शुगर आ गई या शुगर चले गई, कोई ना कोई ऐसा हो रहा है और हम हमारे जीवन को एक श्रेष्ठवान जीवन बना ही नहीं सके, क्योंकि इसी चिंताओं में हमारा दिल गुजरा तो हम कहाँ गए, हम प्रकृति के साथ तादाद में कहाँ प्राप्त कर सके, प्रकृति के साथ एकाकार कहाँ हो सके, हम साथ को जान कहाँ सके, तब हमने क्या किया जो इस प्रकृति की विद्या को जानते हैं उनका आश्रय लिया, उनके चरण लिया, जैसे आज हमारे प्रभुज सद्गुरुदेव स्वामी के स्वामी उनके चरणों में रहने से ही हमें मधु विद्या प्राप्त हो जाती है, हमें उनके चरणों में रहने से भी और उस विद्या को उस तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो हम केवल फल के भागी हुए, क्योंकि हमें बीज लगाकर वृक्ष बढ़ाकर उस वृक्ष से फल को लेने की क्रिया नहीं, हम वृक्ष किसने लगाया उसके फल को खाकर हम हमारी हमारे घर गुजार रहे हैं, क्योंकि मधु विद्या की साधना इसलिए साधना है जो कामाख्या देवी में की जाती है, स्त्री का रंग हो या पुरुष का वीर्य हो इसमें किस प्रकार का मधु है कोई नहीं जानता और इससे किस प्रकार की शक्ति आती है ये भी नहीं जानता। हम पुरुषों के रस को लेकर अगर उन रसों को अगर सचमुच एकत्रित करके हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह हम यज्ञ के माध्यम से करते हैं, क्योंकि उसकी पुरुषता किसी भी तत्व को शुद्ध करने की क्रिया अग्नि ही करता है, चाहे वो वाल तत्व हो चाहे उसकी जरा उसका भस्म करके निकालो तो वह उसकी शुद्धता को प्रमाणित करता है। और जो स्त्री मधु विद्या जानती है वो अपने आप को भी स्वर्णमय बनाती है, अपने आप को जलाने की प्रक्रिया जानती है, और जिसने दिया है उसके सामने राक्षस तो क्या देवता भी खड़े नहीं सकते, जिसने मधु विद्या को जाना उसके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द एक श्रेष्ठता के साथ निकलता है और उसके सामने उसको कोई हरा नहीं सकता, देवता भी लालायित होते हैं जिसको ये विद्या प्राप्त है कि उसके साथ मैं शादी करूँ,
उसके साथ वो वहाँ से यहाँ आते हैं और शादी को प्राप्त करने के लिए देखते हैं जिस स्त्री के पास ये मधु विद्या है इसको किस तरह प्राप्त है, यज्ञ के माध्यम से हम मधु विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार की क्रिया से हम प्राप्त करना चाहिए, यह एक बड़ी बहुत क्रिया है और इस क्रिया को कभी समय आने पर मिलता हूँ। लेकिन जो सुबह मैंने आपको मंत्र दिया है वह मंत्र भी परम पूज्य सर्वदेव जी स्वामी कृष्ण ने सिद्धाश्रम प्राप्ति के लिए या सिद्धाश्रम को जाने के लिए या ये एकावन शक्तिपीठ है जहाँ इस माला को धारण करते हुए अगर आप इस आज का दिया हुआ मंत्र कर मंत्र जपते हैं तो वहाँ की देवी आपको श्रेष्ठता के साथ दर्शन देती है और दर्शन देते हुए उस मधु विद्या को आपको प्रदान करती है। एकावन शक्तिपीठ में यह विद्या है और इस विद्या को कोई नहीं जानता है, इसके लिए किस तरह करना है ये भी नहीं जानता। तो आज इस विद्या के लिए मैंने जो सुबह माला आपने धारण की है वो सब लोग पहले लाइन से खड़े होकर पहले शक्तिपा दीक्षा देता हूँ, बाद में इसकी 51 आहुतियाँ आपको देनी है जो केवल गुड़ और एक पान और उसके साथ उसके ऊपर थोड़ा सा घी और दही और त्रिमधु को डालकर उसकी आहुति देनी है। उसकी आहुतियाँ आपके आपने जितना 21 माला किया है तो केवल 21 बार आप हवन डालें, 51 माला किया है तो आप 51 बार आहुति उसकी डालें और डालने के बाद उस भस्म को आप कल सुबह अपने पास ग्रहण करके रख लें। उस ग्रहण करके रखने है रखने वाले भस्म आपके शरीर को कायाकल्प और निरोगी बनाता है। जैसा मैंने आज कहा ये सिद्धाश्रम की एक मधु विद्या है तो पहले मैं शक्तिपा दीक्षा प्रदान करता हूँ। जिन्होंने अपने गले में माला धारण कर लिया वो लाइन लगा रहा है, बाद में आपको मैं हवन करवाऊँगा। हवन के बाद आज आगे का कल का कार्यक्रम मैं समझाऊँगा। पहले उस मधु विद्याधारी स्त्री पुरुष अपनी माला धारण जो माला धारण किए हैं वो लोग लाइन से आ जाए, पहले शक्तिपा दीक्षा दूंगा और उसके बाद आपको एक बात करनी है। जब आप मेरे से दीक्षा ले इस क्रिया को आप सीखो, जब तक ये सीखोगे नहीं तब तक हर ऋषि अपने बच्चों के साथ जंगल में रहा करता था और ऋषि तपस्या को लगातार हो गई थी। आपको तो पता है अपने महर्षि से महर्षि अपनी अक्षया को घर में अकेला छोड़कर तपस्या में रहते थे और उनको उनकी तपस्या की परीक्षा के लिए ब्रह्मांड परमेश्वर गए और वह जीत के बताए इस औषधि इस विद्या को सीखना चाहिए। आज विद्या हमारे पास ही चले गई इसलिए हम तो मधु को छोड़ दिए और सब पहले हमारे को मधु को छोड़ने की प्रेरित करते हुए हमें मधुमेह के नाम से मधु से दूर किया जा रहा है, शक्कर से दूर किया जा रहा है और ये दूर होने के कारण हमारे शरीर में मिठास नहीं है, बात में मिठास नहीं है, सब राक्षसी विद्या गई, सब कड़वाट गई। उस कड़वाट को निकाल देना चाहिए, अच्छी प्रभाव करें और हमारे श्लोकों में वो मधु तत्व हो, वो मिठास हो, जो मिठास हो हम चारों से बात करते हैं, चारों आपसे बात करें। अब बस विद्या ही नहीं तो बस कौन है, विद्या नहीं है हमारे मधु की उस विद्या को नहीं है हमारे पास। आजकल हम बहुत सारे लोगों से मैं कई लोगों की बात करता हूँ क्योंकि बच्चा पैदा हुआ माँ के मांस माँ को दूध नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, हम किस क्रिया को करते हुए और वो दूध आता था और बच्चा पढ़ता था पढ़ता था, गाय के दूध से हम क्यों बढ़ते हैं, हम बच्चे बड़े लोगों का के ही आहुति में क्यों उपयोग करते हैं, उसके भस्म की कितनी श्रेष्ठता है। ऐसा कोई ऋषि जो नगर या गांव में बस कर रहा है ऐसा आपने किसी नहीं कहा, जो प्रकृति के साथ एकाकार हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहा वो ऋषि श्रेष्ठ करा, उसने ब्रह्म ज्ञान को जाना। आज हम वहाँ जा ही नहीं सकते, हम गांव को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, तो घर को छोड़कर बाहर कहाँ जाएंगे, इतने आश्रम में रहने के लिए ही चार पाँच दरवाजा खटखटा देते हैं कोई आ रहा नहीं हमारे, फिर भी हम जब इस विद्या को जानेंगे तो हमें ऋषि तत्व को प्राप्त हुआ तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब आपकी विद्या आए विद्या आपके पास हो कोई रोग आपके ऊपर हमी नहीं होगा। वो ऋषि उतने जंगल में रहा करते थे तो उनमें कब आया कौन किसको और कौन सी बीमारी है ऐसा आपने सुनाया, उनके पास नगर में रहने वाले राजा भी बीमारी के लिए आकर कम करके जाते थे लेकिन कोई ऋषि बीमारी से मरा ऐसा कभी सुना नहीं। तो इसके पीछे क्या तत्व है, किस तत्व है, इस प्रकार का होम और किस प्रकार की अग्नि को अपने प्रज्वलित करना चाहिए और तब किस प्रकार की अग्नि से हम तेज को लेना चाहिए, सूर्य के तेज को लेने से हम रहें, तब ऋषियों ने इस अग्नि तत्व को यज्ञ का माध्यम ढूंढा, यज्ञ के माध्यम को ढूंढते हुए उसे पंच कर्मों के संविधाओं से ही अवधि करके उस अग्नि को दे दी। इसमें भी कई तरीके हैं, इसमें भी जो अग्नि को पूजने वाले होंगे वायु को पूजने वाले होंगे, इसमें इस प्रकार हम अगर इस तत्व को जानकर आगे चलते हैं वैसे जाना जाए तो लोपामुद्रा
जब एक बार मार्च में कहा था कि शरीर में एक क्या है, शरीर में एक क्या है, तो लोगों ने शरीर में एक क्या है, तो उन्होंने क्या इस संसार में कैसे बता सकते हैं कि कोई मांस खाने वाला है, कोई शराब पीने वाला है, कोई पैसा पीने वाला है, शरीर में क्या है, क्या एकता है। तो महर्षि अगस्त कहते हैं शरीर में वायु की एकता है, शरीर में ऑक्सीजन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड से जीता है या कोई दूसरे वायु से जीता है, तो उस ऑक्सीजन नाम की जिस वायु का ऑक्सीजन उसको नाम दिया गया, लेकिन उस वायु में उस वो वायु से ही हम जी रहे हैं, उस वायु की एकता को हम जाने कि तुम्हारे में भी वह वायु है मेरे, और उस वायु को एकाकार कर सकें तो हम प्रेमी हुए, हम इस ब्रह्मांड को जानने वाले हुए, और हम इस ब्रह्मांड से आगे बढ़ने की क्रिया करते हैं, हम पृथ्वी तत्व को भी जाने, मांस खाते हैं पृथ्वी पर जो उगने वाले ऋषि को खाते हैं, तो हम पृथ्वी तत्व पर पृथ्वी से अग्नि तत्व को, अग्नि तत्व से वायु, जल तत्व को, जल से वायु तत्व को अगर हम जाने तो हम ब्रह्मांड के सारे लोगों में घूम सकते हैं, और उस वायु तत्व को जाने की क्रिया अपने गुरु से सीखनी चाहिए। सभी में आप कितने भी मनुष्य किसी पृथ्वी हो पक्षी हो, सभी में तो ऑक्सीजन ही, इसमें दूसरी वायु नहीं हुई है, उस वायु को जानने के लिए आपको वायु और वायु का वेद या वायु प्राण समझाता है कि तुम एकाकार किस तरह हो सकते हो, अपनी प्राण किस तरह मुक्त कर सकते हो, ये समझाता है। ब्राह्मण हो तो भी उसमें भी ऑक्सीजन है, या दूसरा रहने वाला भी हो तो उसमें भी ऑक्सीजन है, दूसरी वायु है क्या, नहीं है ना। इसलिए हमारे लिए जो भेद निर्माण किया गया है वो भेद गलत है, हम उस वायु के तत्व को जानना चाहिए, वायु किस प्रकार से हुई और उस वायु से हमारे नित्य धड़कन ऑक्सीजन से ही हार्ट डबड़वाता है या दूसरे वायु से ही डबड़वाता है, नहीं तो फिर किस तत्व को जानते हैं, तत्व को जानने की क्या करना है, तो इस मधुर विद्या को जानना है, वायु विद्या को जानने से आप उठ के खड़े रहो, मेरी इच्छा है।